हेलो फ्रेंड्स, 90 वर्ड पर मिनट एडिटोरियल डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। पूरे देश में कांग्रेस की राष्ट्रीय पहचान है। अगले वर्ष कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो दूसरी तरफ वरिष्ठ नेताओं और युवा पीढ़ी में पार्टी के प्रति आकर्षण कम हो रहा है। ऐसे में ग्रैंड ओल्ड पार्टी को सुधारात्मक कदम उठाने और संकट प्रबंधन रणनीति अपनाने की ज़रूरत है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि नुकसान से बचने के लिए नियमित अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक संकट प्रबंधन समूह का गठन किया चाहिए, जो किसी आसन संकट से निपट सके। इससे पार्टी में सही संदेश पहुंचेगा। अगले वर्ष पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। कांग्रेस को इन चुनावों के लिए कारगर कार्य योजना बनानी चाहिए। चुनावों में आरएसएस से परिमार्जित भाजपा के संसाधनपूर्ण आक्रामक और अनुशासित कार्यकर्ताओं से पार्टी का सामना होना है। विश्लेषकों का मानना है कि भविष्य की रणनीति के तहत संकट प्रबंधन समूह बिना किसी देरी के बनना चाहिए। इसकी सीधी कमान आला कमान के पास हो, ताकि वह राज्य इकाइयों और केंद्र के किसी संकट को निपटा सके। साथ ही वरिष्ठ और युवा नेताओं को जगह देने के लिए संगठन में फेरबदल जरूरी हो गया है। यह कदम पार्टी कैडर को फिर से जीवंत और ऊर्जावान करेगा। राहुल गांधी को स्थायी रूप से पार्टी अध्यक्ष पद संभालना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच प्रभाव छोड़ा है और उन्होंने कोविड की दूसरी लहर से निपटने में असमर्थता पर सरकार पर हमले भी बोले हैं। कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को 1998 की तरह आगे आना होगा। उन्हें नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति कर अनिश्चितता खत्म करनी होगी। इससे पार्टी कार्यकर्ता मजबूत होंगे और भाजपा के खिलाफ कमर कस सकेंगे। राहुल टीम बिखर गई है। जितिन प्रसाद के पार्टी छोड़ने के बाद सचिन पायलट, नवजोत सिंह सिद्धू आदि के भी खोने का डर मंडरा रहा है। मिलिंद देवड़ा, संदीप दीक्षित, मनीष तिवारी, आरपीएन सिंह आदि नेता भी पार्टी में अपनी निष्क्रिय भूमिका से संतुष्ट नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद के पार्टी छोड़ने के बारे में कुछ वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि यह कॉरपोरेट संस्कृति का नतीजा है कि वे लाभ और स्वार्थ के खातिर भाजपा में शामिल हुए हैं। वे जमीनी नेता नहीं हैं। आलाकमान को पैराट्रप्स को दिल्ली से थोपने की नीति बंद करनी चाहिए और मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी घोषणा पहले ही करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में भाजपा की पराजय की मुख्य वजह चुनाव के पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित न करना रहा। यदि प्रियंका यूपी के लिए पार्टी की पसंद है, तो इस योजना को तत्काल प्रभावी बना देना चाहिए। कोई भी देरी संकट को ही बढ़ाएगी। राज्य
चुनावों के लिए रणनीति को अंतिम रूप देने की भी ज़रूरत है। एक तथ्य यह भी है कि संकट प्रबंधन रणनीति की नामौजूदगी पार्टी से सिंधिया के बाहर निकलने का कारण बने, जिसकी कीमत मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सरकार गंवा कर चुकानी पड़ी। वहां कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने अपने अहम और प्रतिद्वंदिता को पार्टी हितों से ऊपर रखा। संकट प्रबंधन रणनीति होती तो यह संकट टल जाता। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी यही हुआ। अब पंजाब और राजस्थान में आलाकमान के समक्ष यही संकट है। पंजाब में कांग्रेस का संकट गहरा सकता है। राजस्थान में भी परीक्षा घड़ी है। पंजाब में आलाकमान द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में गठित 3 सदस्यीय समिति भी कोई रास्ता नहीं निकाल पाई है। गोवा में पिछली बार सत्ता के करीब पहुंचने के बाद भी इस बार तस्वीर यह है कि चुनाव में करीब 6 माह ही शेष है और प्रभारी दिनेश गुंडूराव अंतर्कलह का कोई हल नहीं निकाल पा रहे हैं। स्टॉप।